देते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं आई सी डी एस हमदर्द नगर प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। मैं एज ए स्टेटिस्टिकल आई सी डी एस हमदर्द नगर और मैं स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, और हम लगा लास्ट के 6 ईयर से काम कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, वहाँ पे क्लैरिकल स्टाफ भी नहीं है, हम लोग क्लैरिकल काम भी करते हैं और हम एसए का काम भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट हमें दे दिए जाते हैं और उनसे हमसे कम से कम 3 बंदों का काम कराया जाता है। और हम 2011 में हमारी भर्ती हुई थी, उसके बाद जो सैलरी है ना, हम सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं। इतनी सारी महंगाई बढ़ती है, डेली कन्वेंस बढ़ता है, डेली बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जाती है, लेकिन हमारी सैलरी सेम रहती है, सब चीज़ बढ़ता जाता है, बस हमारी सैलरी नहीं बढ़ती। और उसके बाद हमें 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और हमें 8-8 बजे तक काम कराया जाता है। हम मार्च में 31 मार्च जब क्लोजिंग डे होता है, हम 9-9 बजे बैठ के काम करते हैं और कन्वेंस हमें कोई नहीं दिया जाता। अगर हमें कभी कभी हम कन्वेंस लगाते हैं, 500 रुपये हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। कभी हमें हेड ऑफिस मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, कभी हमें आरकेपुरम जैसे हमारे पीओ होते हैं जहाँ पे हम बिल वगैरह लगाते हैं, वहाँ देने के लिए जाते हैं, हम बिल वगैरह लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें और कोई भी फाइनेंशियली और कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता और सैलरी हमारी सेम रहती है। और उसके बाद हमारे पास काम का बर्डन दिया जाता है, कभी कुछ नया काम आ जाता है, ना तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ना हमें कोई और एक्स्ट्रा मतलब जो भी काम कराने के लिए सिखाने के लिए जो चीज़ दी जाती है वो भी हमें नहीं दी जाती। और हम 2011 में जिस टाइम अपने ऑफिस में आए थे ना, हमारे पास ना तो कंप्यूटर था, ना हमारे पास प्रिंटर था, इवन ही ऑफिस जो फोटोकॉपी मशीन होती है ना, वो अभी भी हमारे पास नहीं है। अभी भी हम क्या करते हैं, हमने अपने अपने घर पे बैठ के काम करते हैं, हम अपने घर पे बैठ के मेल करते हैं, हमें मेल फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती उनसे। हमसे बोला जाता है कि सारा काम ऑनलाइन करो, सारा काम मेल से करो और हमें फटाफट ईमेल चाहिए, हमें फटाफट प्रिंट आउट चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने लेटर लिख लिख के, हम लोगों ने 2011 के स्टाफ ने 2011 का स्टाफ है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर दिए, उन्होंने लेटर वगैरह प्रोवाइड कराए, तब जाके हमने उन्हें 50-50 लेटर देते थे। हमारे पास अभी भी जैसे मेरे स्टाफ है, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में एक तो सुपरवाइज़र काम कर रही है कुसुमपुर बाड़ी में, मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक कुसुमपुर बाड़ी और एक हमदर्द नगर, और हमदर्द नगर में मेरे पास 5 सुपरवाइज़र हैं। हमारे पास अभी भी कोई PN नहीं है, हमारे पास अभी भी कोई LDC नहीं है। अब हम LDC का काम भी करते हैं, हम PN का काम भी करते हैं, हम सुबह ऑफिस भी खोलते हैं आके, और हमारे पास कोई मशीन। मतलब आपने फोटो स्टेट की बात की, तो अधिकतर जो आंगनवाड़ी वर्कर थी तो वो भी यही बात कहती है कि हमारे पे इतना वर्डन है, और जो हमारे जो सुपरवाइजर हैं या जो हमारे जो अधिकारी हैं वो हमें बार बार मीमो देने की बात करते हैं। सर एक्चुअली क्या होता है, हम तो किसी के अंडर काम कर रहे हैं ना, हम अपनी CDPO के अंडर काम कर रहे हैं, CDPO से ऊपर भी कोई लेवल होता है, उनके क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्टर आती हैं, वो ये नहीं देखती कि एक्चुअली ऑफिसेज में हो क्या रहा है, वो आके अपनी शीट पे बैठ जाती हैं, उनको सारी फैसिलिटी मिली हुई होती है, उनको ये लगता है कि हर जगह इंटरनेट है, उनको अब भी हमारा ऑफिस का 10 दिन हो गए हमारे ऑफिस में नेट काम नहीं कर रहा है, उनको ये लगता है कि हर जगह सारी फैसिलिटी, लेकिन उन्हें जो बेसिक इवन यहाँ बताऊँगी टॉयलेट फैसिलिटी नहीं, हमारे वहाँ पर ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास एक CDPO थी जो रिटायर हो गई, उन्होंने अपने घर से ला के ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हमको, वहाँ पे उन्होंने आके हमें वो ड्रम लगाते हैं वो लगाया, वहाँ से हम पानी लेते हैं। ऑफिस से हम लेटर देते हैं, चेयर नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है, अलमारी के लिए देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ बस इतनी कार्रवाई होती है, कोई भी हमारे पास अगर जैसे कोई भी IAS ऑफिसर आता है या कोई भी हमारा बड़ा स्टाफ आता है, वो ये नहीं देखता कि एक्चुअली इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो सिंपल ये कहते हैं कि अच्छा आउटसोर्स है इनको निकालो, उनको ये नहीं देखते बेसिक फैसिलिटी इनको प्रोवाइड नहीं कर, एटलीस्ट पहले उनसे काम करो ना, ऑफिस को स्ट्रॉन्ग बनाओ ना। एक्चुअली हुआ क्या, अभी एक मीटिंग हुई थी इनकी, मुझे पता नहीं कहाँ पे सुपरवाइजर्स की मीटिंग थी, वहाँ पे 2007 स्टाफ गया था, 2011 वाला स्टाफ गया था, सुपरवाइजर्स की थी, हम लोग नहीं थे उसमें, तो वहाँ पे जो भी हमारे ऑफिसर्स थे वहाँ पे, उन ऑफिसर ने बोला कि ठीक है उनको ऊपर ब्लॉक ले, वहाँ पे आई कार्ड की ज़रूरत थी, लेकिन 2011 वालों को शायद आई कार्ड इशू नहीं हुआ था, नहीं लेकिन नहीं उनके साथ क्या किया जाता है, मतलब पार्शियलिटी की जाती है, उनसे पूछा जाता है आप 2007 के हो, आप 2011 के हो, आप परमानेंट हो, तो परमानेंट तो ठीक है उनको मतलब वो दी जाती है इज्जत ज्यादा, 2011 को तो ऐसे बोलते थे ठीक है ठीक है इनको बाहर निकालो, इनकी कोई जरूरत नहीं, बुलाया भी जाता है फिर बाहर भी निकाल, अपने से जूनियर को हर एक कोई सताने का काम करता है, सताने का नहीं सर, इतनी पार्शियलिटी होती है आप बता नहीं सकती, मतलब हम लोग इतना एफिशिएंटली काम, जब आप लोग बताएंगे नहीं तो फिर आप ये जो मंत्री लोग हैं या जो आला अधिकारी हैं वो आपकी मांगों को कैसे रखेंगे, आप बताइए। अब हम 10 दिन 11 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है सर, जब से हम लगे हुए हैं ना, शायद हम 1 साल ही रुके थे, उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस किए जा रहे हैं, जो हमारे सबसे पहले हमारा होता है हम अपने जो भी हमारा फर्दर वो है हमारा ऑफिसर, हम उसको ही तो आगे कार्रवाई कराने के लिए बोलेंगे। हमने उनको लेटर लिख के दिए, सबसे पहले एक मैम आई थी सौम्य गुप्ता मैम, उससे पहले भी सर आए थे, हमने सबको लेटर फाइल पुटअप करके मतलब फाइल पुटअप करके देखे, हम हर बार रिप्रेजेंटेशन करते हैं लेकिन हमारा कोई भी उधर से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता।